नमस्कार। जन्माष्टमी पर्व पर स्ट्रीट मेल के दर्शकों को स्ट्रीट मेल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुराम सिंह चडूनी ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा कोई बड़ा फैसला ले अथवा हरियाणा वालों को माफ करे। गुरुराम सिंह चडूनी ने कहा कि अगर सरकार ने 6 सितंबर तक उनकी मांगे नहीं मानी तो 7 सितंबर को अनाज मंडी में पंचायत करके करनाल लघु सचिवालय का घेराव किया जाएगा। वहीं करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जिला कांग्रेस 2 सितंबर को लघु सचिवालय के बाहर धरना देगी और डीसी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेगी। यह जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर अरविंद शर्मा व पूर्व विधायक बलवान सिंह दोलपुरिया ने कहा कि किसानों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया जाना बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। शहीद हुआ है उसमें जो दोषी अधिकारी है, चाहे उसमें एसडीएम है, चाहे उसमें पुलिस अधिकारी है, उन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। इसका टाइम दिया है उनको 6 तारीख तक का, 6 तारीख तक का समय दिया गया है, क्योंकि 5 तारीख की उत्तर प्रदेश के अंदर रैली है और आप सभी ने रैली में भी जाना है। वहां पे बड़ी पंचायत देश की रखी गई है संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, तो आप सभी ने उसमें भी जाना है, इसलिए उस तारीख को टाल के 6 तारीख तक हम सरकार का इंतजार करेंगे और वरना 7 तारीख को फिर हम एक बड़ी पंचायत करनाल की अनाज मंडी में बुला के और यहाँ का जो प्रशासन है, सेक्रेटरिएट है, उसका घेराव अनिश्चितकाल के लिए कर देंगे। फतेहाबाद की नहर कॉलोनी स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जन्नत रुखाया व दृष्टि नारंग ने भगवान के भजनों पर शानदार प्रस्तुति दी। फतेहाबाद के सोमा टाउन में स्थित होटल कलेरियन में आज गैस सिलेंडर लीक होने से धमाके के साथ आग लग गई। इस आगजनी में होटल के बेसमेंट में लगे झूमर, एसी व अन्य सामान जल गया। होटल के मैनेजर ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।